डाउट्स लाए हो कि नहीं लाए हो? मैंने कहा टैब का अरेंजमेंट करो जल्दी से। कब से मिलने वाला है टैब? सिक्स मतलब परसों। मैं छः बजे संडे सात से ना भाई छः बजे कैसे मिलेगा? चलो बताओ डाउट्स बताओ। बी वन से बी फोर सब्जेक्ट तक क्वेश्चन। एक चीज बता देता हूं पहले, बोलो तो डाउट बोलो जल्दी से। बी थ्री में डाउट नहीं, बी थ्री के सेकंड में डाउट नहीं आया। आना चाहिए ना सेकंड में डाउट आना चाहिए, उससे पहले किसी में डाउट नहीं है पक्का। पहले एक पॉइंट ऐड कर लो फॉर बी बी थ्री का सेकंड पार्ट। बी थ्री का फर्स्ट पार्ट आ गया, सिंपल है ना? ठीक है, नाउ जस्ट ऐड वन पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे मैंने जो सीरीज लिखवाया था, सीरीज क्या था? लेकर भारत सरकार का नाम बोलो, मांगे अली। हाँ मान से बोलो, मन से बोलो, दिल से बोलो, जो भी बोलो। मांगे अली मन से जान, ठीक है। और इसके बाद करीना के सीडी नीचे सुनो पागल है, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद क्यों होगी आज और पिटाई, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का E नॉट H2 से H प्लस इज 0.00 वोल्ट एज वेल एज E नॉट H प्लस से H2 इज ऑल्सो 0.00 वोल्ट। समझेगा? हाइड्रोजन से पहले जितने मेंबर्स हैं उन सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होगा? हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। मतलब इन सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव है। और इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, जो कि क्या नेगेटिव हो जाएगा। समझे क्या? गेट इट? तो इन सबका ये सब जो मेटल्स है इनका ई नॉट ऑक्सीडेशन एम से एम प्लस एन कैसा? पॉजिटिव है, क्योंकि लेफ्ट से राइट मैंने क्या बताया था कि E नॉट ऑक्सीडेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। और इनका जो E नॉट ऑक्सीडेशन है वो कैसा रहेगा? नेगेटिव। दैट मींस वेरी लेस, करेक्ट। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है? ये जो मेंबर्स हैं देयर मेंबर्स लाइक क्यों होगी आज और पिटाई, ये जो मेंबर्स हैं इनका ई नॉट ऑक्सीडेशन इज वेरी लेस। समझेगा? अगर इनका ई नॉट ऑक्सीडेशन इज वेरी लेस, इट मींस दैट दे डू नॉट प्रेफर
टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, करेक्ट ना, राइट, दैट मींस दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स, करेक्ट ना। इसका मतलब क्या हुआ, उनके लिए m से m प्लस n प्लस n इलेक्ट्रॉन, ये जो है दिस इज लेस पॉसिबल, ऐसा बोल सकते हैं, या लेस फीजिबल, रादर क्योंकि इनका E नॉट ऑक्सीडेशन बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ, E नॉट रिडक्शन इज मोर, गेट इट, सो रादर दे m प्लस n का टाइम्स प्रेफर टू अंडरगो रिडक्शन, रादर द m प्लस n का टाइम्स दे प्रेफर टू अंडरगो रिडक्शन, गेटिंग ना, दैट मींस m प्लस n प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स m, ठीक है, दिस इज मोर फीजिबल या मोर पॉसिबल, मतलब इसके अगर होने के चांसेस कम है, इसके अगर होने के चांसेस ज्यादा है, मोर फीजिबल मतलब मोर प्रोबेबिलिटी, मोर चांसेस आते हैं, समझे गए, करेक्ट, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर द ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, समझे गए, मर्करी, सिल्वर, दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म मेटल्स, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, इसको कॉपर क्या प्लस टू है ना, इसको हीट कर दो तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हीट करने पर कॉपर प्लस टू से कॉपर में रिडक्शन हो जाएगा एंड ऑक्सीजन ओ माइनस टू से ओ टू में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। दिस डज नॉट प्रेफर टू रिमेन इन द फॉर्म ऑफ कैटायन बिकॉज ऑफ द वेरी लेस वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन, getting now, or because of the greater value of E naught reduction, the cation prefers to undergo reduction and form metal atom. That's it. उसी तरह से जैसे Ag2O, इसको heat कर दोगे, तो ये silver plus one है, तो silver plus one से दो silver है, silver plus one से silver में क्या हो जाएगा, reduction हो जाएगा and ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व। सिमिलरली अगर यहां पे HgO है, इसको अगर हमने हीट कर दिया तो ये मर्करी प्लस टू ऑक्सीजन माइनस टू, मर्करी प्लस टू से मर्करी एटम में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा एंड ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व। एंड जो आखिरी वाले गोल्ड एंड प्लैटिनम है, गोल्ड एंड प्लैटिनम दे आर नोबल मेटल्स, समझे क्या, least reactive metals, right? तो अभी इसके basis पे we can solve B3 का second part. B3 के second part में क्या कहा जा रहा है कि which of the following oxides will decompose on heating? तो हमारे पास decompose on heating मतलब क्या? कौन-कौन से oxides decompose on heating हो जाएंगे? Copper oxide and silver oxide, silver monoxide. ठीक है, CuO and Ag2. ठीक है, ये लिखो पहले, बाकी B3 का फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट आ गया ना, आगे B4 बड़ा हो गया,
ठीक है भाई, आई लिस्ट ग्रुप बी फोर। जल्दी कर ये हाइड्रोजन का लिख लो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। Now, question number B4 says, find the range of E naught values for the reaction. Reaction क्या है? X plus 2 aqueous plus 2 electron gives X solid. मतलब we have to find out the range in which the reduction potential of X will lie. Because reaction क्या है? X plus 2 से X जाना. ठीक है, हटा दो अब इसको. हो गया सबका? Right? Anyone still writing? इस तरफ का हो गया? इस तरफ का हो गया ना? अरे यार एक घंटा ये लिखना है क्या पूरा? रिकॉर्डिंग भी है? दो मिनट तेरे को रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज बीइंग सेड दैट हमें एक रिएक्शन दिया गया है x प्लस टू एक्वस plus 2 electron gives X2 gas. We have to find out the range of reduction potential for this particular reaction. And हमें data जो दिया गया है, हमें क्या-क्या data दिया गया है? We have been given E naught Ag plus से Ag, ये है plus 0.80 volt, ठीक है? उसके बाद we have been given
E0, Fe plus 2 से Fe, this is minus 0.44 volt E0, Zn plus 2 से Zn, minus 0.76 volt, and उसके बाद हमें दिया गया है E0, copper plus 2 से copper, this is equal to minus plus 0.34 volt, and the next thing which has been given is E0, NO3 minus say NO. This is equal to how much? This is equal to 0.96 volt plus 0.96 volt. ठीक है, right? अब ये कहा जा रहा है, हमें दो पार्ट दिए गए, मतलब इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, मतलब हमें दो पार्ट में रेंज निकालना है. तो पहला वाला पार्ट कहा जा रहा है, इफ द मेटल एक्स डिसॉल्व्स इन HNO3, समझे क्या, बट डज नॉट डिसॉल्व इन HCl, ऑल्सो इट कैन डिस्प्लेस Ag plus iron but not Cu plus 2 iron. Instead of Ag plus iron, just make it, it can displace silver but not copper. समझे? Displace silver from solution of Ag plus, but it cannot displace copper from solution of copper plus. ठीक है ना, ऐसा कहा जा रहा है, डालो उसको, right? तो ये सब डेटा दिया गया. तो सबसे पहली बात इसमें it is being said that it dissolves in HNO3. सबसे पहला जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि it dissolves in HNO3. A का first part कह रहे हैं X dissolves in HNO3. ठीक है, तो अगर X HNO3 में dissolve कर रहा है तो मतलब X react करेगा. X कैसे react करेगा? कैटायन बनाकर react करेगा. Because X भी हमें एक ही चीज दिया गया कि X जो है कटायन बनाता है, या कटायन जो X बनाता है, X एनायन बनाता है, ऐसा तो नहीं दिया गया. तो अगर X डिसॉल्व हो रहा है HNO3 में, मतलब X जो है HNO3 में रिएक्ट करेगा. तो X कैसे रिएक्ट करेगा? एक ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है, X से X plus 2 जाएगा. और HNO3 का क्या होगा? डेटा में NO3 के बारे में कुछ दिया गया, NO3 माइनस से NO, मतलब क्या, NO3 माइनस नाइट्रोजन कितना प्लस 5 और NO नाइट्रोजन कितना प्लस 2, मतलब नाइट्रेट का हो गया क्या रिडक्शन, और X का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, समझे क्या, यही पॉसिबिलिटी ना. X का रिडक्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि X एनायन बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया. X कटायन से X बनेगा या फिर X से कटायन बनेगा, ऐसे दिया गया. ठीक है, तो X डिसॉल्व्स इन HNO3 मतलब क्या, मींस दैट मींस ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन जो है, क्या ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन जो होगा, एक्स गिव्स एक्स प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, NO3 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स NO. यहां पे नाइट्रोजन प्लस 5, यहां पे नाइट्रोजन प्लस 2, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करा दिया 3 से, इसको मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, एंड ये हमें क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 2NO3 minus, and this will give 3x plus 2 aqueous plus 2NO, and obviously 6 electron and 6 electron. Yes? Means what? ये वाला जो reaction है, this redox reaction is possible. Redox reaction is possible. अगर redox reaction possible है, इसका मतलब क्या? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसी का रिडक्शन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है? नाइट्रेट का हो रहा है. मतलब नाइट्रेट का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो X plus 2 के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है. यस नॉट, रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब क्या, रिडक्शन उसी का हो रहा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. इट मींस व्हाट? इट मींस द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ NO3 माइनस से NO is more than reduction potential of X plus 2 से X. क्योंकि हमें यहाँ पे reduction potential का range चाहिए ना, X के reduction potential का range चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग सारी बातें करेंगे in terms of reduction potential. वो directly हो जाएगा, वो आसान भी रहेगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो E naught X plus 2 से X है, this is, ये किसका value कितना है, 0.96 से ना, मतलब क्या, sign ऐसा लगेगा, the reduction potential of X is less than the reduction potential of nitrate. So this is less than 0.96 volt.
तो ये तो एक चीज आई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद सेकंड पार्ट इसमें क्या कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट इसमें कहा जा रहा है कि एक आई सेकंड पार्ट कहा जा रहा है कि इट डिस्प्लेसेस सिल्वर बट डज नॉट डिस्प्लेसेस कॉपर। एक्स जो है सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, तो मेटल सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है तो किससे डिस्प्लेस करेगा, एजी प्लस से एजी होगा ना। एक्स कैन डिस्प्लेस सिल्वर मींस व्हाट, एजी प्लस से एजी में रिडक्शन फीजिबल है, पॉसिबल है, समझे क्या। तो अगर सिल्वर प्लस का सिल्वर में रिडक्शन हो रहा है मतलब एक्स प्लस एक्स का एक्स प्लस टू में ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझे क्या। गेट, तो ये क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक्स जो है डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम एजी प्लस। इट मींस व्हाट, इट मींस कि यहां पे हमने लिखा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक्स गिव्स एक्स प्लस टू इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होगा टू एजी प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स टू एजी, है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक्स डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर प्लस, गेट इट, इट मींस व्हाट, इट मींस दिस विल बिकम एक्स प्लस टू एजी प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन एंड दिस गिव्स एक्स प्लस टू एक्वस प्लस टू एजी प्लस टू इलेक्ट्रॉन। इट मींस व्हाट, ये वाला रिएक्शन दिस इज पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। इफ दिस रिएक्शन इज पॉसिबल मतलब रिडक्शन उसी का हो रहा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जाता है, किसका रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि E naught x plus 2 से x is less than E naught Ag plus से Ag, सही है ना। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा ना, इसका मतलब क्या हो गया, E naught x plus 2 से x is less than 0.80 volt। तो हमें यहां पे थोड़ा सा इंप्रूव हो गया ये रेंज, किस तरह से इंप्रूव हो गया, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया E naught x plus 2 से x is less than 0.80 is less than 0.96 volt। ऐसा अभी हमें ये वाला एंड मिल गया कि किससे कम है, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, इट विल नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर प्लस टू, करेक्ट। तो थर्ड पार्ट इसमें कहा जा रहा है, थर्ड पार्ट कहा जा रहा है कि x does not displace कॉपर फ्रॉम कॉपर प्लस टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है कॉपर प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, दिस इज नॉट पॉसिबल। यस, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल इट मींस व्हाट, ये x के सामने कॉपर प्लस टू का रिडक्शन पॉसिबल नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो x के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा नहीं है, नहीं है, ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा होता तो कर देता ना, हो जाता ना रिड्यूस, अगर ज्यादा होता x के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होता तो इसको कॉपर का रिडक्शन होता ना। अभी यहां पे कॉपर प्लस टू का कॉपर में रिडक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि कॉपर प्लस टू का रिडक्शन पोटेंशियल x के रिडक्शन पोटेंशियल को एक्सीड नहीं कर रहा। बात समझ में आई क्या, गेट इट। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन गिव्स कितना, x गिव्स x प्लस टू इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एंड ये जो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन है, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन लिखा x प्लस कॉपर प्लस टू एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स x प्लस टू एक्वस प्लस कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिडॉक्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या, यहां पे जो हमने रिडक्शन दिखाया है ऐसा नहीं हो रहा है। अगर कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि E नॉट कॉपर प्लस टू से कॉपर इज नॉट मोर देन E नॉट x प्लस टू से। अगर ज्यादा नहीं है मतलब कम है,
इफ इट इज नॉट मोर देन दिस मतलब क्या है कम है ना, देयरफॉर क्या बोला जाएगा कि E नॉट कॉपर प्लस टू से कॉपर इज लेस देन E नॉट X प्लस टू से X. यस E नॉट कॉपर प्लस टू से कॉपर कितना 0.34 इज लेस देन E नॉट X प्लस टू से X. यस तो हमारे पास राइट हैंड साइड का लिमिट था, अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी लिमिट आ गया. तो देयरफॉर यहां से क्या पता चला हमें E नॉट x प्लस टू से x ये जो है दिस वाज लेस देन 0.8 व्हिच इज लेस देन 0.96 ऑब्वियस बट दिस इज मोर देन 0.34 ठीक है क्लियर हो राइट एंड इफ दिस इज मोर देन 0.34 वोल्ट मतलब दिस इज मोर देन 0.00 आल्सो ऑब्वियस दिस इज B4 का फर्स्ट पार्ट. B4 का दिस इज द रेंज ऑफ प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ X. क्लियर हुआ क्या जल्दी इसको समझ में आया? एनीवन वाज नॉट अंडरस्टूड? क्लियर हो गया सबको? और ये तो क्या x का पोजीशन बता सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मैंने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज दिया था x का पोजीशन बता कर लो पहले इसको लिख लो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज इसमें x का पोजीशन बता सकते हैं कैन यू आइडेंटिफाई x किसकी बात करी जा रही है पॉपर के आगे तो मरकरी है सिल्वर है गोल्ड है प्लैटिनम और सिल्वर के पीछे बिग पॉपर है सिल्वर ये मतलब किसकी बात कर रहे हैं ये Hg की बात कर रहे हैं है ना क्योंकि ऐसा लेफ्ट टू राइट गए तो क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है मींस रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा है कि नहीं
तो ये क्या है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स इज मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर बट लेस देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, है कि नहीं? तो ऐसा जा रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यस, तो अगर ऐसा गए रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, ये है कॉपर, ये है सिल्वर, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मर्क्यूरी। बात समझ गए, क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट हटा दूं, हटाऊं क्या? डन एवरीवन, स्विलुइन इस तरफ का तो हो गया होगा ना। अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बी पार्ट में कहा जा रहा है कि इफ द मेटल एक्स रिएक्ट्स विद एचसीएल एसिड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, मतलब एचसीएल के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियस है ना, मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ठीक है, बट डज नॉट डिस्प्लेस आइदर जिंक और आयन, Zn plus 2 और Fe plus 2 लिखा है, plus 2 हटा, यानी तो B पार्ट में, B में फर्स्ट पार्ट क्या कहा जा रहा है, X जो है displaces हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, मतलब रिडक्शन करा रहा है, HCl से हाइड्रोजन निकाल रहा है, means what, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2H plus, plus 2 electron gives H2 gas. तो अगर ये reduction of reaction है, इसका मतलब oxidation of reaction क्या हो गया? It means oxidation of reaction क्या हो गया? Oxidation of reaction हो जाएगा X gives X2 aqueous plus 2 electron aqueous. And overall redox reaction क्या हो जाएगा? Overall redox reaction हो जाएगा 2H plus aqueous plus X plus 2 electron gives what? X plus 2 aqueous plus H2 gas plus कितना? 2 electron. मतलब ये जो redox reaction है, this redox reaction is possible. अगर ये redox reaction possible है, मतलब जिसका reduction potential ज्यादा उसी का reduction हो रहा है. किसका reduction हो रहा है? Hydrogen का हो रहा है. It means what? Therefore, E naught X plus 2 से X is less than E naught H plus से H. इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि E naught X plus 2 से X is less than 0.00 volt. हाइड्रोजन को बताया मैंने 0.00 volt होता है, ठीक है, तो हमें एक साइड लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट तो एक आ गया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि इट डिस्प्लेसेस आयरन, इट डज नॉट डिस्प्लेस आइदर जिंक और आयरन, ना ही जिंक को डिस्प्लेस करता है ना ही आयरन को डिस्प्लेस करता है, तो सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि एक्स डज नॉट डिस्प्लेस जिंक और आयरन फ्रॉम जेरन प्लस टू और आयरन प्लस टू रिस्पेक्टिवली, मतलब क्लियर है कि अगर ये जिंक को जिंक प्लस टू में, जिंक प्लस टू को जिंक में रिड्यूस नहीं कर रहा, मींस व्हाट, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, जिंक प्लस टू, प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव जिंक, ये पॉसिबल है ही नहीं, अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉसिबल होता मतलब क्या, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स, अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स से ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा नहीं मतलब कम, ये सुनो ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो देयरफॉर सीधा सीधा भी बता दें, ई नॉट Zn plus 2 से Zn इज नॉट मोर देन E naught X plus 2 से X, yes, तो अगर ज्यादा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ,
दिस मीन्स E नॉट Zn प्लस 2 से Zn इज लेस देन E नॉट X प्लस 2 से X. है तो यहां से हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिख रहा है, कुछ लिमिट दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में. तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, यहां से हमें आ जाएगा कि E नॉट X प्लस 2 से X इज लेस देन माइनस सॉरी माइनस 0.76 वोल्ट इज लेस देन E नॉट X प्लस 2 से X. है कि नहीं क्लियर? उसी तरह से क्या कहा जा रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि X does not displace Fe from Fe plus 2. तो इसका मतलब यहां पे अगर हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की, means जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है Fe plus 2 plus 2 electron gives Fe, this reduction half reaction is not possible. And this reduction half reaction is not possible, मतलब कि X, X जो है इसका reduction नहीं करा सकता. अगर X इसका reduction नहीं करा सकता, इसका मतलब क्या हुआ? कि जो reduction potential जो है, Fe plus 2 से Fe, अगर reduction potential of Fe plus 2 से Fe ज्यादा होता, reduction potential of X plus 2 से X, तो ये reduction हो जाता है. मगर नहीं हो रहा है, मतलब ये ज्यादा नहीं. Yes? Clear? इसका मतलब क्या हो गया, अगर ज्यादा नहीं है मतलब क्या कम है ना, इज लेस देन E नॉट X प्लस 2 से X. इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया, माइनस 0.44 इज लेस देन E नॉट X प्लस 2 से X. तो सब कुछ एक दो और ये तीन सब कुछ कंबाइन कर दो, यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमको पता चला कि E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल of X is first of all less than 0.00, but this is more than minus 0.76, minus 0.44, which is more than minus 0.76 reduction potential. Again, ये reduction potential कितना? तो अब बता सकते हो X का position क्या है? ये तो हाइड्रोजन है, ये आयन है, ये जिंक है. हाइड्रोजन आयन जिंक, इनमें से कोई तो है, ठीक है? क्योंकि ऐसा जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, मगर ऐसा जाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा. यहां पर मैंने क्या लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल. तो ऐसा जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल में इंक्रीज होता दिखता है ना, माइनस 0.76 माइनस 0.44 फिर x फिर 0. ठीक है, तो अभी x जो है वो इनमें से कोई तो है, कैडमियम निकल टिन या लेड में से कोई तो है. बात समझ गए? क्लियर? चलिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं. क्या हुआ? रो पीछे का रहेगी तो बाद में बुरा करना. ठीक है, नेक्स्ट टाइम. लास्ट बेंच को दिख रहा है? देख लास्ट बेंच को दिख रहा है. इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 144 ऑब्जेक्टिव B1 से B7. ये कर लो जल्दी से.
हो गया। चलो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताओ B1 से B7 तक, कोई डाउट है तो बोलो। फ्रॉम B1 टू B7 ऑब्जेक्टिव में, B1 टू B7 ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाले हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व। हाँ B5 और B6 B7। चलो ये तो मैंने कराया हुआ है, कौन किसमें स्टोर हो सकता है। तो E0 गिवन डेटा है, डेटा कह रहा है हटा दो इसको, अभी हटा दो, हो गया सबका। एनीवन सुन राइटिंग, तो क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन से कि B5 वाला क्वेश्चन, E0 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज गिवन एज 0.80 वोल्ट, गिवन है E0 Ag+ से Ag इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। उसके बाद दिया गया है E0 Mg+2 से Mg, दिस इज गिवन एज -2.30 वोल्ट 37। उसके बाद दिया गया है E0 Hg+2 से Hg, दिस इज इक्वल टू +0.79 वोल्ट ऐसा। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इसमें कहा जा रहा है AgNO3 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। मैंने क्या बताया था, स्टोर करने का पर्पस क्या होता है कि वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, यस नो। तो अगर AgNO3 पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि AgNO3 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ AgNO3 में जो Ag+ है प्लस कॉपर, आगे कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब Ag+ से Ag रिडक्शन नहीं होना चाहिए एंड कॉपर+ से कॉपर+2 ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। ये बताया था ना, ये फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, गेटिंग। तो देखो जरा कॉपर और सिल्वर में, कॉपर नहीं दिया गया, मैंने लिखा नहीं, कॉपर का 0.34 दिया है। E0 कॉपर+2 से कॉपर, दिस इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट। तो देखो सिल्वर और कॉपर में, यहां पे सिल्वर का क्या हो रहा है, Ag+ से Ag ना रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर और कॉपर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सिल्वर का ज्यादा है ना, तो किसका रिडक्शन होगा, सिल्वर का रिडक्शन होगा ना, तो ये वाला रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, गेटिंग ना। तो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, एंड इफ दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने AgNO3 को कॉपर वेसल में स्टोर कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AgNO3 से Ag बाहर निकल जाएगा, AgNO3 will be reduced to silver and CuNO3 whole twice form हो जाए, मतलब AgNO3 cannot be stored in copper vessel, समझे क्या? तो इसका मतलब पहला वाला statement जो है वो गलत, we cannot store AgNO3 in the copper vessel। उसी तरह से उसी समझ में आ गया ना, तो पहला वाला statement क्या गलत है, उसी तरह से नेक्स्ट कहा जा रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट कैन बी स्टोर इन कॉपर वेसल। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट में क्या है, Mg+2 है, उसको कॉपर वेसल में स्टोर करने का है, तो स्टोर तभी होगा जब मैग्नीशियम नाइट्रेट मतलब मैग्नीशियम प्लस टू और कॉपर में कोई रिएक्शन ना हो। तो पहले रिएक्शन करा देते फिर चेक कर लेंगे। तो अगर मान लो रिएक्शन हो गया तो मैग्नीशियम+2 से मैग्नीशियम एंड कॉपर से कॉपर+2, किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम का कॉपर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो गया पहले तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज से पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम का ज्यादा होता है तो मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए एंड कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए या फिर गिवन डेटा से जो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है कॉपर का ज्यादा है मैग्नीशियम का कम है गेटिंग ना राइट तो ये जो मैंने लिख दिया है मैग्नीशियम+2 से मैग्नीशियम ये रिडक्शन नहीं होगा समझे क्या बात समझे क्या रिडक्शन होगा तो कॉपर के रिडक्शन होगा। Mg+2 से Mg रिडक्शन नहीं होगा मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है नो रिएक्शन मतलब क्या, मैग्नीशियम नाइट्रेट कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। बात समझ में आई क्या, क्लियर, डाउट है किसी को, नहीं तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट,
that yes, magnesium nitrate can be stored in copper vessel. फिर कहा जा रहा है CuCl2 can be stored in silver vessel. ये सही है. CuCl2 अगर पहला वाला अगला था मतलब थर्ड वाला सही है. CuCl2 can be stored in silver vessel. CuCl2 मतलब copper plus 2 plus silver मतलब कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए. कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए मतलब क्या, कॉपर प्लस टू से कॉपर में रिडक्शन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ये कह रहा है कि CuCl2 can be stored in silver vessel. चलो देखते हैं, पहले रिएक्शन करा देते हैं फिर चेक करें कि वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. तो कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस 2Ag+, तो दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सिल्वर और कॉपर में. सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो सिल्वर का रिडक्शन होना चाहिए ना, और कॉपर का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए. मतलब यहाँ पे अगर मैंने रिएक्शन लिखा मतलब ये रिएक्शन मैंने गलत लिखा है, मींस ये रिएक्शन नहीं होगा ना, है कि नहीं? क्योंकि रिडक्शन होना है सिल्वर का, ऑक्सीडेशन होना है कॉपर का. और यहाँ पे अगर तुम कह रहे हो कि कॉपर प्लस टू से कॉपर करा दो तो ये तो गलत हो गया. मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है मतलब CuCl2 कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर वेसल. बात समझ में आई क्या? तो C वाला स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. देन HgCl2 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. HgCl2 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल मींस व्हाट? HgCl2 में Hg+2 प्लस क्या चीज? कॉपर. HgCl2 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. तो अगर HgCl2 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल इसका मतलब यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए. तो देखो जरा मरकरी कितना 0.79, कॉपर कितना 0.34, दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? Hg का ज्यादा है. तो Hg+2 से Hg रिडक्शन हो जाए. मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर ये स्टोर हो सकता है HgCl2 कॉपर वेसल में तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मगर गिवन डेटा बता रहा है कि Hg+2 Hg में रिड्यूस हो जाए, मींस यहां पे रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा और कॉपर प्लस टू ऑक्सीडाइज, कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा. मतलब यहां पे रिएक्शन हो जाएगा मींस HgCl2 कैनॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. तो इसका आंसर है बी एंड सी. ठीक है, फिर उसके बाद B6 में डाउट नहीं? नहीं पक्का? फिर B7 में डाउट है क्या? B7 में किसी ने पूछा कि B7 में डाउट है? हाँ ठीक है. तो B7 वाला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा आर गिवन बिलो. आई होप सो अभी पूरा रिएक्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा क्लियर हो गया होगा एप्लीकेशन के साथ, सारी चीजें समझ में आने लगी. ठीक है, B7 में कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन बिलो. यहां पे कहा जा रहा है Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2. तो ये है E0 Fe+3 से Fe+2. ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है +0.77 +3 से +2. फिर उसके बाद कहा जा रहा है Al+3+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al. ये हो गया E0 Al+3 से Al, this is equal to -1.66 volt, and then it is given that Br2+2 electron gives 2Br- aqueous. ये भी aqueous है और ये gas है. This is aqueous and this is also aqueous. और ये कह रहा है E0 Br2 से Br-, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कितना? +1.08 वोल्ट. और अब हमसे कहा जा रहा है बेस्ड ऑन द अबव डेटा रिड्यूसिंग पावर. ऑल्दो यहां पे लिख के दिया किसका रिड्यूसिंग पावर अरेंज करना है, बट मान लो अगर लिख के ना दिया जाता तो रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में अरेंज करना है. तो रिड्यूसिंग पावर किसका होता है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है. तो यहां पे तो रिडक्शन रिएक्शन दिया है. यहाँ पे ये वाले Fe+3 Al+3 एंड Br2 ये रिड्यूस हो रहे हैं, और हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिड्यूसिंग पावर बताओ. रिड्यूसिंग पावर किसका निकालेंगे? जो ऑक्सीडाइज होगा. मींस व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. देखो इन सबको क्या कर दो, रिवर्स कर दो. Fe+2 गिव्स Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन. E0 ऑक्सीडेशन ना, Fe+2 से Fe+3 कितना? -0.77 वोल्ट. फिर Al गिव्स Al+3+3 इलेक्ट्रॉन. ये कितना हो गया? E0 Al से Al+3, दिस इज इक्वल टू +1.66 वोल्ट. ठीक है, एंड देन 2Br- से Br2+2 इलेक्ट्रॉन
ये कितना हो गया E नॉट बी आर माइनस से बी आर टू दिस इज इक्वल टू माइनस 1.08 मोल। अभी ऑक्सीडेशन आप रिएक्शन आ गया सबके तो आप पता चल जाएगा जिसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो उतना स्ट्रॉन्गर क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट को। मैंने कल ही बताया था अगर रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है तो रिएक्शन चाहिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ रहा है तो रिएक्शन चाहिए रिडक्शन रिएक्शन। जिसको ऑक्सीडेशन होगा उसका रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करो समझे क्या, और जिसका रिडक्शन होगा उसके ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करो। यानी तो यहां पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, फिर किसका है, फिर Fe+2 का है, फिर किसका है Br- का। बात समझ गया, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इनोड ऑक्सीडेशन, वी कैन सी वेरी क्लियरली फ्रॉम हियर कि ऑर्डर ऑफ इनोड ऑक्सीडेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ इनोड ऑक्सीडेशन है E0 Al से Al+3 देन E0 Fe plus 2 से Fe plus 3, then E naught Br minus से Br. This is the order of oxidation potential. किसका oxidation हो रहा है Al का, Fe plus 2 का Br minus. तो reducing power का order क्या होगा? Reducing power का order होगा Al, Fe plus 2 and Br. मैंने कल भी कराया था इस तरह। This is the order in which reducing power decreases. इस ऑर्डर में रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और क्या डाउट है? कल मैंने एक और क्वेश्चन दिया था हैलोजन्स का ऑक्सीडाइजिंग पावर, मैंने क्लास में बताया है क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर मैंने कहा था कि ये ऑल्सो आप राइट डाउन द रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर किसका आएगा, हैलाइड आयंस का आएगा, F minus Cl minus Br minus I minus, ठीक है, नहीं तो उसका आंसर आया क्या, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया उसका, कल वाला क्वेश्चन चेक करो मैथ्स का आंसर, कल जो क्वेश्चन दिया था F2 Cl2 Br2 and I2. This is what? Yes. Oxidizing power decreases. Right? And the reactivity decreases na? फिर मैंने कहा था reducing power, तो reducing power इनका थोड़ी होगा, reducing power उसका होगा जिसका oxidation हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनायंस का होगा ना, I माइनस से I2, Br माइनस से Br2, Cl माइनस से Cl2 एंड F माइनस से F2, तो रिड्यूसिंग पावर में क्या आएगा, रिड्यूसिंग पावर में आएगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, ये ऑर्डर आया क्या, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। ठीक है, हो गया डिस्कशन पूरा, समझ में आ गया पूरा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एप्लीकेशन डाउट है किसी को, नहीं आगे बढ़े अभी, ठीक है हटा दो उसको। नाउ अभी अगर हम बात करें मेन स्ट्रीम टॉपिक में बातें, बिकॉज अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन अब इसमें लगेगा, ठीक है, अभी दिस बेसिकली डील्स इन टू पार्ट्स, डील्स विथ parts.
First is conversion of electrical energy to chemical energy, electrochemistry deals with conversion of electrical energy to chemical energy, या फिर it deals with conversion of chemical energy to electrical energy. समझेगा? ये दो तरह के कन्वर्जन में डील करता है, either conversion of electrical energy to chemical energy और conversion of chemical energy to electrical energy. Simple example, conversion of chemical energy to electrical energy, batteries, any battery, car का battery, bike का battery, घड़ी का cell, किसी भी तरह का battery. Battery has got certain chemicals. घर पे most common example inverter का battery, उसमें acid डालते हैं, जब वो बैटरी थोड़ा खराब हो जाता है उसका एसिड चेंज करते हैं, केमिकल होता है, एंड दैट केमिकल इज गिविंग व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन द लाइट गोज ऑफ. यस, करेक्ट. तो इसका सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, बैटरी प्रोवाइडिंग, बैटरी सप्लाइंग current in the circuit. Yes, and ये जो है ये कब होता है, charging of a battery, जब battery charge होता है. ये और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना, इसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. कैसे ना, राइट. ये वाला प्रोसेस जिसमें अकर होता है, दिस प्रोसेस अकर्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ये जो प्रोसेस जिसमें अकर होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. बात समझिए, एंड ये प्रोसेस जिसमें अकर होता है अकर्स इन गैल्वेनिक सेल. समझिए, पूरे बैटरी का जो सेटअप होता है दैट इज अ गैल्वेनिक सेल. इस घड़ी पे जो सेल पड़ा है उसका जो सेटअप है दैट इज अ गैल्वेनिक सेल. वो ड्राई सेल है दैट इज अ गैल्वेनिक सेल. समझेगा, फोन में जो बैटरी है दैट इज आल्सो गैल्वेनिक सेल. राइट नाउ अभी वो गैल्वेनिक सेल, जब घर जाकर चार्ज करूंगा तो वो बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. बात समझेगा, राइट. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉजेस अ नॉन स्पॉन्टेनियस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉजेस अ नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction to occur. नया टर्म आया नॉन स्पॉन्टेनियस, बताता हूं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉजेस अ नॉन स्पॉन्टेनियस redox रिएक्शन टू अकर. समझे क्या, दिस प्रोसेस इज That is, बड़ा लिखता हूं तो उसका फिर से कंप्लेन है, छोटा लिखता, इतना बड़ा ठीक है, ये दिख रहा है, इतना तो पहले भी लिखा था मैंने.
दैट मींस इलेक्ट्रोलिसिस. जबकि यहां पे क्या है, यहां पे व्हाट हैपेंस इन अ गैल्वेनिक सेल, इन अ गैल्वेनिक सेल व्हाट हैपेंस, अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स, अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स विच कॉजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट लीड्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन द एक्सटर्नल सर्किट. यहां बेटा माया स्पॉन्टेनियस. तो पहली बात ऊपर से तो रिलेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी causes a redox reaction to occur, a non-spontaneous redox reaction to occur. Redox reaction क्या है? Chemical reaction है ना? मतलब electrical energy की वजह से, electricity की वजह से, बाहर के current की वजह से, electrolytic cell में एक non-spontaneous redox reaction occur होता है. मतलब electrical energy is getting converted into chemical energy. ये बात तो clear हो गई, ठीक है? अच्छा, और इसमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? Galvanic cell में, Galvanic cell में क्या कहा जा रहा है? कि एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अगर होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो आता है. एंड सबको पता है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो आता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो आता है. तो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब केमिकल एनर्जी की वजह से सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, ठीक है? राइट, तो ये तो बेसिक सा डिफरेंस है. अब सवाल यह उठता है कि भाई ये नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस क्या है. नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, ऐसा कोई प्रोसेस जो खुद से अगर नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और स्पॉन्टेनियस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो खुद से अगर हो सकता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल. पानी लो लेवल से हाई लेवल अपने आप फ्लो नहीं हो सकता. मतलब फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इट कैन नॉट अकर ऑन इट्स ओन. समझेगा? तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अकर कराने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, एक्सटर्नल पावर चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए. तो पानी को लो लेवल से हाई लेवल पे लेके जाना क्या करना पड़ेगा? पंप लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? सबमर्सिबल पंप, राइट? ग्राउंड का पानी को ऊपर टैंक तक पहुंचाने के लिए. तो फ्लो वाटर फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल इज नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप अगर नहीं हो सकता है तो उसको अगर कराने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए. तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि जैसे कि फोन है, एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा अपने आप चार्ज होगा क्या? नहीं होगा. चार्जर लगाना पड़ेगा, बाहर का सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट विल चार्ज दिस, विल कॉज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टू अकर. समझेगा? तो वही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉजेस अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टू अकर. मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी. समझेगा? एंड ये जो प्रोसेस है, दिस इज प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. एंड उसी तरह से यहां पे क्या कहा जा रहा है कि गैल्वेनिक सेल में एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन होता है जो खुद से अकर होता है. हमने कितने सारे एग्जांपल देखे खुद से अकर होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन. मतलब क्या? ऑक्सीडेशन उसका हो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन उसका हो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. वो क्या होगा? वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा. नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका रिडक्शन करा रहे हो. वो हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. तो ऐसा नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकता, है कि नहीं? उसको फोर्सिबली कराना पड़ेगा. और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जो खुद से हो जाए, जैसे फ्लो वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल अपने आप फ्लो करता है, किसी पंप की जरूरत नहीं होती. समझे क्या मतलब? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन हो रहा है. तो वो क्या है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है. तो अगर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या? एक जगह इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और एक जगह इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं. तो यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल किए और कहां पहुंचे? जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे. मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आया
अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आया तो फ्लो ऑफ करंट कैसे आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझेगा? तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, मतलब जो बैटरीज होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें देयर इज अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस व्हिच कॉजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच लीड्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। बात समझे? लिखो जल्दी से फिर आगे। हो गया? तुम लिख दिए? हो गया, ठीक है। चलिए करो। Those who have done, put the heading as electrolysis. Those who have done, please put the heading as electrolysis. Electrolysis, a process in which when an electric current process in which when an electric current is passed through an electrolyte अभी नया टर्म आ गया फिर से, इन विच व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास टू एन इलेक्ट्रोलाइट इट ब्रेक्स अप इनटू ऑपोजिटली चार्ज आयंस विच
माइग्रेट टूवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टू कॉज अ नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction to occur. इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बताया जा रहा है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अकर होता है, और उसमें क्या होता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से नया धमाके इलेक्ट्रोलाइट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से जब अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाएगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट इट विल ब्रेक अप इनटू ऑपोजिटली चार्ज आयंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा कैटायन और एनायन में, एंड दोस कैटायंस एंड एनायंस विल माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, मतलब कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज तो कैटायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड तो एनायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, एंड व्हेन दे विल रीच द इलेक्ट्रोड अ नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction will occur. समझे गए, ये outline है, इसके बारे में अभी हमें यही पढ़ना है, electrolysis ही पढ़ना है detail में, समझे गए? Right now नया term आ गया हमारे पास electrolyte, लिखे हुआ नया term आया हमारे पास electrolyte, ठीक है? तो अगर हम electrolyte के बारे में बात करें तो write down, एक line छोड़ के लिखो, liquids or solutions are classified as pehla likho non electrolyte, liquids and solutions are classified as pehla likho non electrolyte, write down, they are made up of molecules and not ions, they are made up of molecules and not ions, full stop. Pehla hai non electrolyte, kya likha hai, liquids or solutions are classified based on their ability to conduct electricity as, line complete karo, liquids and solutions are classified based on their ability to conduct electric current, yeah, based on the ability to conduct electric current, solutions and liquids are classified as, aise bhi likh sakte, based on the ability to conduct electric current, solutions and liquids are classified as, pehla non-electrolyte, समझेगे? So non-electrolyte के बारे में क्या लिखा? They are made up of molecules and not ions. Full stop. As a result, they do not break up into ions. As a result, they do not break up into ions. And hence, H-E-N-C-E, एक बार मैंने बोला hence, एक ने लिखा है H-E-N-S, ये पहले लिखना, किसी बात में ऐसा हुआ था, मैंने लिखा hence, फिर मैं गया देखने, तो एक ने लिखा था hence, मुर्गे, अरे बहुत मान मान लो भाई, ठीक है, तो hence, ठीक है, hence, do not conduct, electric current. Hence, they do not conduct electric current. Right. Example likho jaise. Examples of non-electrolyte.
तो जैसे एग्जांपल लिख सकते हो, बेंजीन लिक्विड, टॉल्वीन लिक्विड, है कि नहीं? उसी तरह से जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, लिक्विड CCl4, उसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड, लिक्विड CS2, एग्जांपल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए? Do not conduct electricity. They are made up of molecules. They are not made up of ions. Clear? And then write down electrolyte. Definition is plus. Electrolyte. Last. Write down electrolyte. Electrolytes. They are made up of ions. They are made up of ions. And allow the flow of electric current through them. They are made up of ions and allow the flow of electric current through them. Full stop. Electrolytes are classified as स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड नेक्स्ट लाइन में दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट. विल स्टॉप हियर. थैंक यू. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके आगे कल. ठीक है, समझ में आया?